सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को एक नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में आजादी के बाद उत्तराखंड पहली बार विकास की अनगिनत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। इन्हीं में शामिल है सनातन धर्म की आस्था के केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य, जो न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का नव निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। विकास के इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर को उत्तराखंड की सीमांत गांव माड़ा में 3,427 करोड़ रुपए की 2 सड़कों और 2 रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिलाएं रखी जा रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट 9.7 किलोमीटर लंबाई वाले इस रोपवे की लागत 1,267 करोड़ की होगी और इसके बन जाने से श्रद्धालुओं की 6 से 7 घंटे में पूरी होने वाली कठिन यात्रा अब सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो सकेगी। इसी तरह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की दूरी 36 घंटे में तय की जाती है, लेकिन अब गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पर 1,163 करोड़ की लागत से बनने वाले 12.40 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के निर्माण के बाद ये दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन रोपवेज के बन जाने से अब लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। जोशी मठ से मलारी तक 61.64 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 422.68 करोड़ की लागत से होने वाले इस 2-लेन चौड़ीकरण के अलावा 574 करोड़ की लागत द्वारा माड़ा से माड़ा पास तक 51 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 2-लेन चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। ये दोनों ही मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और अब यहाँ से साल भर सेना के वाहनों का आवागमन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही इन मार्गों के निर्माण से सीमांत क्षेत्रों के गांवों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इन महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पलायन रुकेगा, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन हो सकेगा।